आवाज़ आपकी इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं चंद्रपुर के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के पास में हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कॉन्ट्रैक्ट के तंत्रिक एवं अतांत्रिक आरोग्य कर्मचारी का आंदोलन यहाँ पर बड़े पैमाने से चल रहा है। पिछले एक महीने से यह आंदोलन चंद्रपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर चल रहा है। इस मोर्चा को सफल बनाने के लिए यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वह इकट्ठा हुए। यह मोर्चा यहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय पर जाएगा। यह आंदोलन पिछले एक महीने से कंटिन्यूशन चल रहा है। इतना ही नहीं तो दीपावली के समय में भी यह आंदोलन इसी प्रकार से जारी था। इन सभी कर्मचारियों की दीपावली भी अंधेरे में गई है। क्या शासन इसके तरफ में ध्यान देगा या यही आंदोलन को ऐसे ही चलने के लिए शासन मजबूर करेगा? आइए जानते हैं इन कर्मचारियों की क्या मांगे हैं जिनकी वजह से यह इन्होंने आंदोलन शुरू किया है। पिछले एक महीने से यह आंदोलन चल रहा है, क्या मांगे हैं सर और किस तरीके से यह आंदोलन आप जारी रख रहे हैं? राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के तहत सभी कर्मचारी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ये कार्य करते वक्त अपनी जान जोखिम के डालने गए कि 12, 15, 20 सालों से ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पे ये कर्मचारियों के बारे में कुछ भी अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है, उसी लिए गए एक महीने से आंदोलन चल रहा है। हमारी प्रमुख मांगनी है कि हमको एज की लिमिट कम करके हमको शासन सेवा में कायम किया जाए। हम जहाँ पे एक समान बाकी लोगों के साथ काम करते हैं तो हमारा वेतन भी उनके समान एक समान मिलना चाहिए। उसके लिए शासन स्तर पे हम विनती कर रहे हैं कि समान काम समान वेतन और हमको शासन स्तर पे कायम किया जाए, नौकरी में कायम किया जाए, यही हमारी प्रमुख मांग है। इसलिए हमारा शांततापूर्ण ये आंदोलन चालू है। काम समान वेतन ये मांग को लेकर ये कर्मचारी आक्रामक है और यहाँ से ये मोर्चा सीधा जिलाधिकारी कार्यालय पर जा रहा है। सर, एक महीने से आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार ने इसके बारे में आपकी कुछ दखल अंदाजी ली है या किसी प्रतिनिधि से आपके तरफ में भेजकर आपके आंदोलन को जानने का प्रयास किया गया है? आज से हम 16 तारीख से सरकार को निवेदन दिए थे, तो उस निवेदन के बाद हमने एक धरना आंदोलन भी नागपुर में किया और उसके बाद में हमारा 25, 26 और 27 में हर डिस्ट्रिक्ट में धरना आंदोलन दिए थे। उसके बाद में हम मुंबई में आज़ाद मैदान में भी 30 और 31 को आंदोलन किए थे। वहाँ पे सरकार ने हमको वैसे आश्वासन दिए थे कि तुम्हारा समावेशन करेंगे मगर 30%। हमारा यही कहना है सरकार को कि जब तक हमारा 100% समावेशन नहीं होता है तब तक हमारे जो 70% बचे लोग हैं उनको समान काम समान वेतन जब तक नहीं करते तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। यही हमको हमारी सरकार को मांगनी है। बीते एक महीने से आंदोलन बड़े पैमाने पे चल रहा है। यहाँ के विधायक किशोर जोरगेवार जी ने भी इनके आंदोलन के स्थल पर मुलाकात करके आंदोलनकारियों की चर्चा की। क्या सर आप बता सकते हैं कि विधायक जी से चर्चा होने के बाद में उन्होंने क्या आश्वस्त किया आप लोगों को? किशोर भाऊ जोरगेवार उस दिन हमारे मोर्चा स्थल पर आए थे। भाऊ से हमारी चर्चा पूरी हुई इस बारे में। भाऊ ने इनको ये कहा कि मैं सरकार से आपकी मीटिंग लगाकर आपके पूरे जितने भी मांगनी है उसको चर्चा करके तुम्हारी मांगनी जल्द से जल्द कैसी पूरी हो इसके बारे में हम सरकार से बात करेंगे। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि एकस नारा कायम करा 100% समायोजन, ये जब तक अभी तक हमको सरकार के तरफ से और बाकी लोगों के तरफ से अभी तक बस आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो हमारे को जब तक सरकार ये लिखित में न दे, जब तक शासन निर्णय हमारे लिए कुछ नहीं बनता, तब तक हमारा सब यूं ही चलता रहे। हमारे साथ में इस आंदोलन से जुड़ी हुई एक महिला कर्मचारी है, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबान से उनकी क्या मांगे हैं सरकार से। हेलो, मैं स्टाफ नर्स हूँ पीएससी में। अभी 16-17 साल हो रहे हैं हम लोग प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्टाफ नर्स करके कंत्राटी करके कर्मचारी हैं। अभी 17 साल हो गए लेकिन हम लोग मानधन पे ही है। हमको कम से कम मानधन में हमको सरकार दे रही है। हमको हमारे सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को जल्द से जल्द हमको परमानेंट करें और हमारे समान वेतन हमको दे दिया जाए। कि ये मांग है कि कोरोना काल में इन्होंने सभी लोग जब घर में बैठे हुए थे इन्होंने सेवा दी है, कोरोना काल को अपनी जान जोखिम डालकर जनता की सेवा की है, फिर भी इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं क्या कहना है इन कर्मचारियों का। आम्ही इथे जमलेले सगळे कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी आहोत।
तर मी एन एम आहे आणि माझ्यासोबत माझ्या बहिणीसुद्धा इथे एन एम भगिनी लाखो हजारो संख्येने उपस्थित झालेल्या आहेत. आम्ही आम्हाला इथे 16 ते 17 वर्ष सेवा देऊन झालेली आहे. सरकारचं उद्देश हे होतं सुरुवातीला की मातामृत्यू आणि बालमृत्यू हे कमी करायचं होतं आणि ते उद्देश आम्ही पूर्ण करून दिलेलं आहे. आणि कोरोना काळामध्ये आम्ही इतकी उत्कृष्टरित्या सेवा दिलेली आहे की आमच्या कुटुंबाची आमच्या स्वतःचीही आमच्या मुलाबाळांची पर्वा न करता आम्ही 2 वर्ष कोरोना काळामध्ये इतकी उत्कृष्टरित्या सेवा दिलेली आहे. तरीसुद्धा शासन आम्हाला आमच्या मानधनातसुद्धा कधीही वाढ केलेली नाही आहे आणि आम्हाला एकदम कमी अशा तुटपुंजा पगारावरती मानधनावरती आम्हाला काम करावं लागत आहे. आज महागाईचा काळ आलेला आहे, परंतु या महागाईच्या काळामध्ये आम्हाला आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा आहे आणि आम्हाला स्वतःलासुद्धा स्वतःचा उदरनिर्वाह कसा करायचा आहे आणि आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं कोणताही पण भत्ता दिलेला नाही आहे आजपर्यंत गव्हर्नमेंटनी. तर आमची मांग हीच आहे की आम्हाला आता तरी इतकी सेवा आम्ही 17-17 वर्ष जेव्हा सेवा दिलेली आहे तर याचं कुठेतरी आम्हाला आता फळ मिळायला पाहिजे आणि आम्हाला सेवेमध्ये कायम करून घ्यायला पाहिजे. आणि आम्हाला जसं परमानंट कर्मचाऱ्यांना जो जेव्हा जेवढा काही लाभ मिळतो तेवढा लाभ आम्हाला याच्यामध्ये द्यायला पाहिजे. आणि आमच्या सगळ्या एन एम भगिनींना याच्यामध्ये सामावून घेतलं पाहिजे. हे सरकारला कडकडीची विनंती आहे, कडकडीची विनंती आहे. समायोजन करा, आमचे समायोजन करा, समायोजन करा. इस वक्त हमारे साथ में इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एक साथी जुड़े हुए हैं. आइए जानते हैं क्या मांगों को लेकर इन्होंने यह पिछले एक महीने से जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इतना ही नहीं तो मोर्चा तक निकालने की बात यहाँ पर आई है. जानते इन्हीं की जुबान से इन्हीं की मांगों को लेकर. एक नारा कायम करा ही एकमेव मागणी घेऊन मागच्या 25 तारखेपासून आम्ही आंदोलनाला लागलो आहे. आंदोलन करताना सगळ्यात पहिले आम्ही ज्या काही प्रोसिजर असतात त्या सगळ्या प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करूनच आंदोलनाला केलं. म्हणजे आमचं आंदोलन हे कुठल्याही प्रकारे कोणीही याला इलिगल म्हणू नये. आम्ही शासनाला प्रत्येकांना अर्ज केले, सगळ्यांना निवेदन दिले, निवेदनानुसार आम्ही स्टेप बाय स्टेप गेलो. पुढे त्याच्यानंतर आम्ही 1 दिवस धरणे आंदोलन दिलं, त्याच्यानंतर 3 दिवस धरणे आंदोलन दिलं, त्याच्यानंतर मुंबईला 2 दिवस आंदोलन केलं, त्याच्यानंतर आज प्रत्येक जिल्ह्याला महाराष्ट्राच्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये 100% तांत्रिक आणि अतांत्रिकमध्ये असलेला कंत्राटी कर्मचारी 100% या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेला आहे. आज आमच्या या मोर्चाला उपस्थिती बघूनच तुम्हाला लक्षात येईल की प्रत्येकांमध्ये एक तळमळ आहे, प्रत्येकांमध्ये एक जिव्हाळ्याचा विषय आहे की आपण आजपर्यंत शासनाला जे म्हणेल ते दिलेलं आहे. रुजू करताना ज्या गोष्टी असतात त्या सोडून काम करताना प्रत्यक्षातमध्ये त्या गोष्टीला सोडून अन्य सर्व गोष्टी करायला लावतात, पण जेव्हा पगार द्यायची वेळ येते, जेव्हा शासनाला आम्हाला फीडबॅक द्यायचं काम पडते, तेव्हा शासन म्हणतो की आम्ही तुमचे कोण, तुम्ही आमचे कंत्राटी. हा जो भाव असतो कंत्राटीचा, ही जी वागणूक असते, ही वागणूक कुठेतरी शासनाच्या मनामधून आमच्याबद्दलची जी गैरवागणूक असते ती कुठेतरी दूर झाली पाहिजे. आणि आज आमच्याकडचे जे आहे सिनियर मंडळी आहे, काही लोकांना 20 वर्ष झाले आहे, काही लोकांना 17 वर्ष झालेले आहे. हा प्रोजेक्ट NRHMचा जेव्हा सुरुवात झाला तेव्हापासून काही लोकं लागलेले आहे, अक्षरशः अत्यल्प मानधनावर काम करत होते, पण त्यांनी एकच गोष्ट ध्यानात ठेवली की आपण आरोग्य विभागामध्ये आहोत. आरोग्य ही खूप मोठी जबाबदारी असते, त्या जबाबदारी पार पाडताना आपल्याला स्वतःचं कुटुंब, स्वतःचं वैयक्तिक आयुष्य हे सुद्धा वेळ पडली तर आपल्याला बाजूला ठेवावं लागते. कोरोनाचा काळ गेला त्यावेळेससुद्धा खऱ्या अर्थाने आरोग्य विभागाची जी जागरूकता झाली शासनाला ती कोरोना काळामध्येच, आणि त्याचे कमीत कमी ऋण म्हणून तरी या शासनाने या गोष्टीची भरपाई तरी द्यावी. आणि म्हणून आम्ही म्हणतो शासनाला की एकच नारा कायम करा. हा जो नारा आहे आमचा कायम करा, आम्हाला पण माहिती आहे काही शासनाच्या अडीअडचणी असतात, पण त्या अडीअडचणीला मात करणारे तुम्हीच लोक आहे. तुम्ही फार विद्वान लोक आहे, पण तुम्हाला एकच गोष्ट ठरवायची आहे, जेव्हा तुम्हाला ही नियती कळेल की आम्ही लोक का बरं रस्त्यावर आलो, आम्ही पण सगळे मुलं आहो, आईवडील आहे, आम्हाला पण सगळं कुटुंब आहे, आम्हाला कुटुंबाच्या गरजा आहे, भविष्याच्या गरजा आहे, या सगळ्या कोणी आहे. इथे असलेल्या अर्ध्यापेक्षा जास्त महिला मंडळ आहे. ह्या महिला मंडळांना स्वतःचं घर, स्वतःचं मूल, स्वतःचा व्यवसाय, स्वतःच्या इच्छा सगळ्या गोष्टी पार पाडाव्या लागतात, तेव्हा कुठे ते काम करतात. आज दिवाळीमध्ये सुद्धा आम्ही काळी दिवाळी केली, कुठल्या आनंदाने केली, कोणीही फटाके फोडले नाही, कोणीही कुठलं काही घेतलं नाही, कुठलीच काही गोष्ट केली नाही, सगळ्यांनी इथे बसून चंद्रपूरला धरणे देत बसले होते. इथेच आपण फराळ करायसाठी जोरगर आमदार जोरगर जे आले होते त्यांनी आमच्यासोबत
फरार केला ते सुद्धा बघितलं, त्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी आले की तुम्ही या दिवाळीसारख्या एवढ्या महत्त्वाच्या सणात इथे बसलेले आहे, घरी दिवाळी न करता आज तुम्ही इथे पेंडॉलमध्ये जमिनीवर बसून करत आहे, मी तुमच्यासोबत फरारायला येतो, मी तुम्हाला आश्वासन देतो, मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो आणि तुम्हाला तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो। आमची सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे की आम्हाला अजून जास्त वेळ वाट पाहायला देऊ नका। आम्ही नाही, आता आम्ही हटलेलो नाही, आम्ही हटणार पण नाही जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत। त्यामुळे एकच गोष्ट ध्यानात ठेवा, एकच नारा कायम करा, कायम नाही होत असेल तोपर्यंत समान काम समान वेतन द्या। या दोन गोष्टी तुमच्याकडे आहे, दोन गोष्टी भरपूर आहे, तुम्हाला आम्ही स्वतःहून मार्ग देतो आहे की दोन गोष्टीतून तुम्ही कुठली पण एक गोष्ट करा जी तुमच्या सतसत विवेकबुद्धीला पटेल, ती गोष्ट द्या आणि आम्हाला न्याय द्यावा। एकच नारा कायम करा, यह स्लोगन लेकर यह आंदोलनकारी अभी आंदोलन जारी है। यह आंदोलन अपने लिए नहीं, तो पिछले 20 साल से इन्होंने आरोग्य सेवा का काम किया है, शासन का काम किया, प्रशासन का काम किया, लोगों को सेवा दी है, फिर भी इनके ऊपर अन्याय हो रहा है। यह अन्याय दूर होने के लिए इनको यह आंदोलन का शस्त्र लेना पड़ा। आइए जानते हैं इन्हीं से। मैं सूरज डुकरे, राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमातला एसटीएस बोलते। या आज आमचा 27वा दिवस, 27 दिवस झाले तरी शासनाला जाग आली नाही आहे, म्हणून आम्हाला हा पवित्रा घ्यावा लागला आहे। आम्ही आजपर्यंत शांततेत आंदोलन केलं आणि इथून पुढे सुद्धा शांततेत आंदोलन करू, परंतु आमच्या मागण्या ज्या रास्ता आहे त्या मागण्या तुम्ही पूर्ण करा, जोपर्यंत पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही। आणि आज आम्ही चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वतीने भव्य रॅलीचं नियोजन केलेलं आहे, आंबेडकर चौकापासून कलेक्टर ऑफिसपर्यंत आम्ही रॅलीचं नियोजन केलेलं आहे। या रॅलीमध्ये जनसामान्य लोकांना माहिती होईल की NHM कर्मचारी हा रस्त्यावर उतरलेला आहे, या आंदोलनामध्ये सर्व प्रकारचे कॅडर उपस्थित आहे, या सगळ्यांना हक्काची मागणी आहे, ती मागणी पूर्ण करावं या शासनाने। आणि आम्ही आझाद मैदानात जेव्हा बसलो होतो तेव्हा माननीय आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आम्हाला आश्वासनसुद्धा दिलं होतं, पण ते आश्वासन अजूनपर्यंत पूर्ण नाही केलं। आणि त्या आश्वासनासोबतच ते जे आश्वासन आहे त्यासोबत आम्हाला समान काम समान वेतन हे लागू करावं अशी आमची इच्छा आहे, पण अजूनपर्यंत कुठलंही नाही झालं। आंदोलन चालू झाल्यापासून 2 मंत्रिमंडळ बैठका पार झाल्या, परंतु आमचा आरोग्याचा कुठलाही मुद्दा मांडलेला नाही। येत्या 2 दिवसात परत मंत्रिमंडळाची बैठक आहे, तिथं बघू आमचं काय होते, आणि आमचा जर योग्य निर्णय झाला नाही तर हे आंदोलन आमचं असंच राहील। सोबतच आमचा एक कर्मचारी आमरण उपोषणाला बसला आहे, त्याचा 5वा दिवस आहे, त्याची तब्येत पूर्णपणे हलावली आहे, आणि त्याचा जर काही कमी जास्त झालं सर्वस्व हा जबाबदार सरकार असेल। एकच नारा समायोजन करा, यह स्लोगन लेकर यह कर्मचारी आज रस्ते पर उतरे हैं। कोरोना काल में इन लोगों ने जनता की काफ़ी सेवा की है। इनका मानना है कि जब सभी लोग, सभी कर्मचारी, सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और पिछले 27 दिनों से इनका यह आंदोलन चल रहा है, फिर भी इनके तरफ शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इतना ही नहीं तो चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार जी इनके आंदोलन स्थल को भेंट देकर यह मुद्दा मुख्यमंत्री के जरिए सुलझाने की बात की है, लेकिन अभी तक ना ही इन्हें किसी प्रकार का लिखित आश्वासन मिला है। इसीलिए इन आंदोलनकारियों ने आज यहाँ से मोर्चा का आयोजन किया गया। जानते हैं एक महिला कर्मचारी हमारे साथ में है, उनकी मांगे क्या है। गेल्या 25 तारखेपासून आमचं हे आंदोलन इथे सुरू आहे, तरी या आंदोलनाला इथे जो आमचं आंदोलन सुरू आहे, आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारातून आमचं हे आंदोलन इथे सुरू केलेलं आहे की जेणेकरून सरकारपर्यंत आमची ही हाक पोहोचली पाहिजे, तरी पण आमची ही हाक कोणाच्या कानापर्यंत पोहोचत नाही आहे। आम्ही कोरोनाच्या काळातसुद्धा, तेवढ्या महामारीमध्ये सुद्धा आम्ही लोकांनी आमचा जीवाचा पर्वा न करता, आमच्या कुटुंबाची पर्वा न करता आम्ही लोकांनी या कोरोना काळात देखील, तेवढ्या या महामारीतसुद्धा त्या रोगाला आम्ही पळवून लावलं, आणि आमच्या कुटुंबाची देखील आम्ही या काळात काळजी केली नाही, तरी देखील आम्हाला या संपामध्ये या लोकांनी आमची जाण घेतलेली नाही। आम्हाला फक्त आम्हाला एकच म्हणायचं आहे की आमच्या ज्या मागण्या आम्ही इथं ठेवलेल्या आहेत त्या पूर्ण झालेल्या पाहिजे। कोरोनाच्या काळामध्ये सुद्धा अत्यंत चांगली सेवा दिलेली आहे, त्याच्या त्याच कामाची पोचपावती म्हणून सरकारने माझा सत्कारही केलेला आहे। तर सरकारला मी हे सांगू इच्छिते की आम्हाला हा सत्कार तुम्हाला परत करायचा आहे, कारण तुमच्या सत्काराची आम्हाला आता खरंच गरज वाटत नाही। जर तुम्ही आमच्या रास्त मागण्यासाठी जर आम्हाला तडपवत असेल किंवा आम्हाला आमचा अंत पाहत असाल, एक कंत्राटी कर्मचारी म्हणून मी सांगू इच्छिते सरकारला की तुम्ही आमचा अंत पाहू नका। कंत्राटी जेव्हा अत्यंत कमी मानधनामध्ये आपल्या घरचा बजेट जर बसवू शकते तर तुमचा बजेट बसवा
दिवसाला पण आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही। येत्या काही दिवसात तुम्हाला ते पण आम्ही दाखवून देऊ की कंत्राटी कर्मचारी काय करू शकते। तेव्हा झोपेचं सोंग घेऊन बसणाऱ्या सरकारला लवकर जागे व्हा हे आमची एक कडकडीची नम्र विनंती आहे। कोरोनाच्या काळामध्ये पीपीई किट घालून काय त्रास झाला हे आम्हाला माहित आहे। सरकारने एसीमध्ये बसून पीपीई किट न घालताच कोरोना काही नियंत्रणात आणलेला नाही, तो ह्याच कंत्राट्याच्या भरोशावर तो कोरोना तुम्ही परतवून लावलेला आहे। त्याचीच पोचपावती म्हणून तुम्ही मोठे मोठे पुरस्कारही आमच्या भरोशावर घेतलेले आहेत। हे आम्हाला विसरून तुम्हाला विसरून चालणार नाही। जर तुम्ही विसरत जर चालले असाल तर आम्ही तुम्हाला आठवणसुद्धा त्याची करून देणार आहोत। आणि गेल्या 25 दिवसापासून आमच्याच रास्त मागण्यासाठी आम्हाला इथे रस्त्यावर उभं राहून रस्त्यावर बसून आम्हाला इथे आंदोलन करायची जर वेळ येत असेल आणि 25 दिवसापासून जर तुम्ही त्या मागण्या आमच्या त्याचं काही तुम्ही जर करू शकत नसाल तर ही अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट आहे। जर सरकारने यापुढे आमच्या कामाची दखल घेतली नाही किंवा आमच्या रास्त मागण्या जर मंजूर केल्या नाही यापेक्षाही तीव्र आंदोलन आम्ही इथे करू आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही कदापि हे आंदोलन मागे घेणार नाही। पिछले एक महीने से यह आंदोलन चंद्रपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर चालू है और यह आंदोलन बड़े पैमाने पे है। आज इस आंदोलन का एक उग्र रूप धारण करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास से यह एक मोर्चा आयोजित किया गया। यह आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे आज हमारे साथ में, आइए जानते क्या मांग को लेकर सर आप ये आंदोलन छेड़ दिए हैं। हमारी एक ही मांग है कि 100% NHM कर्मचारी को समायोजन शासन सेवित में समायोजन कर रहे हैं, लेकिन हम 26 दिन से आंदोलन कर रहे हैं 25 तारीख से, लेकिन अभी तक हमारी इस मांग को शासन ने सीरियसली नहीं लिया है। उनका कहना है कि हम 30% लोगों को करेंगे, लेकिन उनका भी अभी तक वो हुआ नहीं कि कैसे करेंगे। लेकिन हम एक ही मांग पे उतरे हैं कि 100% समायोजन करो। जब तक समायोजन नहीं करते हमको पे स्केल लागू करो, समान काम समान वेतन दो, ये हमारी मांग है। जब तक हमको कायम नहीं करेंगे तब तक, और जब तक ये होंगे नहीं हम बेमुद संपर्क करते रहेंगे। और आज हमारा 25वां दिन है, 26वां, और आज हम एक भव्य मोर्चा निकल रहे हैं गांधी चौक से कलेक्टर ऑफिस तक, और आगे भी अगर कुछ हुआ नहीं तो हम आगे इससे भी बड़ा ये कदम उठाएंगे और शासन को कुछ न कुछ हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं कंत्राटी लोग। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में यह आंदोलन चालू है, चंद्रपुर जिले में इस आंदोलन में कितने कर्मचारी इन्वॉल्व हुए, सहभागी हुए और कौन से विभाग के इस पे इन्वॉल्व हुए? हाँ, हमारे चंद्रपुर में नियर अबाउट 900 लोग NHM के है, तो 900 लोगों में से 800-850 लोग हम संपर्क में है। और हमारे संपर्क में समुदाय आरोग्य अधिकारी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट और ANM, पूरे CS ऑफिस के, DHO ऑफिस के, सब सेंटर के, PSC के नर्सेस, कंत्राटी नर्सेस हैं, TB टेक्नीशियन है, लेप्रसी टेक्नीशियन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ME है, ऐसे कुल 169 सनोर के लोग, LHV, ऐसे बहुत से सनोर के लोग हम आंदोलन में पूरे उतरे है। आपके इस आंदोलन से सरकारी काम में या जो आरोग्य विभाग है वहाँ पर कुछ असर दिख पड़ रहा है या कुछ उसके ऊपर सरकार ने कुछ उपाय योजना किया? असर तो हो रहा है, क्योंकि हम जो ANM है, समुदाय आरोग्य अधिकारी, हमारा मेन रोल है कि माता का मृत्यु दर कम करना है और जो लड़के पैदा होंगे वो सुदृढ़ पैदा होंगे। लेकिन अभी क्या है कि हम वहाँ पे नहीं है तो OPD नहीं हो रही, BP शुगर के पेशेंट है वो लोग, अभी पूरे भारत में मृत्यु का प्रमाण सबसे ज़्यादा BP और शुगर वालों का है, उनको लकवा मारेगा, ब्लॉक होगा फिर। लेकिन मेन जो रीज़न है BP और शुगर, और हम जो है समुदाय आरोग्य अधिकारी, नर्सेस सब, हम सबसे पहले हमारे समुदाय हम OPD में BP शुगर हर पेशेंट के चेक करते हैं। आज हम पहले जो 4-5 साल पहले जो बात थी कि सब सेंटर में PSC में BP शुगर के पेशेंट आते नहीं थे, अभी हम आने की वजह से हमारे सब सेंटर में 700-800 महीने में OPD होती है, उसमें से 400-500 लोगों की हम BP शुगर चेक करते हैं। अभी जो प्राइवेट में 500-600 लोग एक सब सेंटर में BP शुगर के लेते थे, आज पूरे लोग सब सेंटर में आके वो सेवा ले रहे। लेकिन अभी हम सब लोग इधर आंदोलन में है तो ये सेवा उनको मिल नहीं रही है, उनके ऊपर पूरा बोझ आ रहा है कि अभी क्या करेंगे, पूरे पैसे उनको जो लग रहे एक्स्ट्रा खर्चा
प्राइवेट को, अभी वो उनको और उनके ऊपर आ गए, इसलिए फर्क तो गिर रहा है क्योंकि डिलीवरी बाल मृत्यु दर ये और अभी ये महीने भर में बढ़ गया है, तो इसलिए फर्क तो गिरेगा। हमने तो शासन को बताया कि आप पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन उतना मनुष्य बल तो अभी तक है ही नहीं। और हमारी इसलिए मांग है कि हमारी ज़रूरत है, हम कॉन्ट्रेक्चुअल में 15 साल से कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 15 साल चलता नहीं है, 2 साल 3 साल ठीक है, लेकिन हमको और भी जो आरोग्य सेवा जैसी मेस्मा में जो अंदर आता है उनके लोगों को अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल रखेंगे 15 साल तक, तो ये तो स्थिति आने की है। इसलिए भी जब तक हमको हाथ में परमानेंट का या फिर समान का समय तो मिलेगा नहीं, हम तो संप में रहेंगे। आज दिनांक 20 नवंबर 2023 को समस्त कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी आएगा आम्बेडकर पुतला गांधी चौक चंद्रपुर से कलेक्टर ऑफिस तक मोर्चा रैली निकलने वाली है। हम गए 25 दिनों से हमारी मांगों के लिए हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार ने अभी भी हमारी मांगों के तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमारे कर्मचारी उपोषण पर बैठे हैं, हम वहाँ पे परमानेंट कर्मचारियों से कंधा लड़ा कर काम करते हैं, और आज 25 दिन हो गए हम हमारे हक के लिए, हमारे न्याय के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारे संबंधित कर्मचारी पीपी किट पहनकर यहाँ से रैली में निकलने वाले हैं। हम उस शासन को, उस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी हक की लड़ाई जारी रहेगी, जब तक हमारी मांगों पर कोई न्याय हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम यहाँ पे कृति समिति चंद्रपुर के नेतृत्व में सभी प्रकार के कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी एकत्रित होकर यहाँ पे मोर्चा कर रहे हैं, और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कोविड काल में हमने इतना काम किया है, अभी भी सरकार के जो योजनाएं हैं, आयुष्मान भव है, 15 नवंबर से सरकार ने ग्राम पंचायत यात्रा करके एक नया उपक्रम जारी किया है, उसमें भी हम सहभाग करेंगे, लेकिन हम सरकार के सभी काम करने को तैयार है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसके संबंधित में हमको जो न्याय चाहिए, जो हमारी मांग है कि हमको समायोजन चाहिए और समान काम समान वेतन चाहिए, वो पूरी करने की मांग हम सरकार से कर रहे हैं। राष्ट्रीय आरोग्य कर्मचारी द्वारा चंद्रपुर जिले में जो आंदोलन किया गया, 25 दिनों से आंदोलन चंद्रपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर चल रहा है, उसी की एक कड़ी देखते हुए आज ये सभी कर्मचारियों ने जो कंट्रैक्टिंग पद्धति के काम करते हैं चंद्रपुर जिले में आरोग्य विभाग में, उन लोगों ने यह मोर्चा का आयोजन किया गया। इस मोर्चा में करीबन 800-900 लोगों में कर्मचारी सहभागी हुए हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, चंद्रपुर जिले के अंदर में यह जो कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं, जिसके वजह से समूचे जिले के अंदर में आरोग्य व्यवस्था के ऊपर में काफ़ी परिणाम महसूस हो रहा है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जो लोग काम कर रहे थे, आज वो संप में शामिल, स्ट्राइक में शामिल होने के वजह से ग्रामीण क्षेत्र की आरोग्य व्यवस्था यह चरमरा गई हुई है। क्या शासन प्रशासन इसके तरफ ध्यान देगा, या ग्रामीण परिसर में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ की ग्रामीण जनता रहती है, क्या उनके तरफ, उनके आरोग्य की तरफ में शासन ध्यान देगा? जब तक इन लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाती है तब तक यह आंदोलन ऐसा ही जारी रहेगा, ऐसा इनका कहना है। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इन लोगों की ये मांगे है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, इतना ही नहीं तो जो काम हम करते हैं उस काम का, जिस तरीके से काम करते हैं उसका समान वेतन हमें मिलना चाहिए, ऐसी मांगों को लेकर यह कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं।